दोस्तों, क्या आपने एक ऐसे आइलैंड का नाम सुना है जिसमें चारों तरफ के डॉल्सी डॉल्स हों? एंड मार्क जुकरबर्ग जब फेसबुक के इनिशियल डेज में फेल हो रहे थे तो एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब की सलाह पर वो भारत के एक मंदिर आए थे। एंड क्या आप जानते हैं कैसे यान के बारे में, जिसमें अरबों किलोमीटर की यात्रा मात्र कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने धरती के सबसे बूढ़े इंसान के डीएनए का पता लगाया है, जो आज से लगभग 8 लाख साल पुराना है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, मेक्सिको का आइलैंड ऑफ डॉल्स। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डरावनी जगहों पर जाना पसंद करते हैं। ऐसी एक जगह है मेक्सिको सिटी से कुछ दूरी पर, जिसे लोग हॉन्टेड मानते हैं। दोस्तों, यह जगह आइलैंड ऑफ डॉल्स के नाम से मशहूर है, जहां हर साल काफी संख्या में लोग रोमांच के लिए पहुंचते हैं। इस आइलैंड में दोस्तों, पेड़ों पर लटकी हुई बहुत सारी कटी फटी डॉल्स देखने को मिलती हैं। एंड कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ये डॉल्स कभी कभी हिलती डुलती भी रहती हैं। कहा जाता है कि दोस्तों, कुछ समय पहले एक लड़की यहाँ पर डूब गई थी। बाद में एक व्यक्ति को वह मृत लड़की मिली थी। व्यक्ति को लड़की के साथ एक डॉल भी मिली थी। व्यक्ति ने उस डॉल को वहीं पेड़ पर टांग दिया था। इसके साथ ही दोस्तों, यह अफवाह भी है कि लड़की की आत्मा को मुक्त करने के लिए व्यक्ति ने पेड़ों पर कई डॉल टांग दिए थे। एंड कुछ सालों बाद वह आदमी भी उसी जगह पर मृत पाया गया जहां उसे डॉल मिली थी। माना जाता है कि लड़की की आत्मा अभी भी इस जगह में भटकती रहती है। हालांकि दोस्तों, यह आइलैंड अब पर्यटकों की पसंद बन चुका है। फैक्ट नंबर 2, नीम करौली बाबा मंदिर उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित यह मंदिर केवल भारत बस में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ही मशहूर है, जहां पर मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब से लेकर हॉलीवुड की एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स भी आ चुकी हैं। दोस्तों, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जब अपने शुरुआती दिनों में असफल हो रहे थे तो एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब ने उन्हें भारत के इस मंदिर में आने के लिए सलाह दी। दोस्तों, अपनी यात्रा के बारे में मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि मैं भारत में 1 महीने तक घूमा और देखा कि लोग किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हैं। मुझे एहसास हुआ कि अगर आपके पास जुड़ने की क्षमता है, दुनिया कितनी बेहतर हो सकती है। इसे मुझे फेसबुक को आगे बढ़ाने में मदद मिली। दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग जब यहाँ आए उस समय नील करौली बाबा की मृत्यु के 32 साल हो चुके थे। यहाँ तक कि दोस्तों, नील करौली बाबा के भक्तों का मानना है कि वे हनुमान जी के अवतार थे। फैक्ट नंबर 3, एलक्यूवर रैप ड्राइव। दोस्तों, अंतरिक्ष में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम आज भी नहीं जानते हैं। खैर, इन चीज़ों के अंदर एक सबसे प्रमुख चीज़ है अंतरिक्ष में यात्रा करना, और वह भी प्रकाश से तेज गति से। सुनने में दोस्तों, यह बात बेतुकी लगे ही क्यों ना, परंतु हकीकत तो यह है कि इन द नियर फ्यूचर शायद हम अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से भी तेज गति से सफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा करने के लिए हमारी मदद करेगा रैप ड्राइव या एलक्यूवरी रैप ड्राइव। तो दोस्तों, आखिर यह है क्या और हमारी अंतरिक्ष में यात्रा करने में कैसे मदद करेगा? तो दोस्तों, एलक्यूवर रैप ड्राइव एक ऐसी काल्पनिक अवधारणा है जो कि अंतरिक्ष में किसी भी यान को आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांतों के आधार पर प्रकाश से भी तेज गति से यात्रा करने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, अगर इसे हम थोड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस बात को देखने को मिलेगा कि यह अवधारणा मूल रूप से आइंस्टीन फील्ड इक्वेशन के ऊपर काम करती है। इन शॉर्ट में कहूँ तो स्पेस टाइम में फैली मास की संरचना को यह इक्वेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता है। वैसे दोस्तों, यह ड्राइव एनर्जी एंड डेंसिटी के ऊपर काम करता है, इसलिए हमें इस तकनीक को अंजाम देने के लिए दोनों ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेंसिटी वाले पिंड या कणों की जरूरत होती है, जिसके जरिए ही हम इस अवधारणा को हकीकत में बदल सकते हैं। एंड दोस्तों, हमें इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, वैज्ञानिकों को लगता है कि यह अवधारणा वाकई में हकीकत बन सकता है, परंतु दोस्तों, इसे व्यापक रूप से विकास करने के पहले हमें इसे क्वांटम लेवल में एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, बारकोड के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि बारकोड में ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप होती हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बारकोड स्कैनर सफ़ेद भाग को स्कैन करता है, ना कि काली पट्टियों को। वैसे दोस्तों, बारकोड 2 टाइप का होता है, लीनियर बारकोड एंड 2 डायमेंशनल बारकोड। दोस्तों, लीनियर बारकोड या 1 डायमेंशनल बारकोड का प्रयोग साधारण उत्पादों जैसे साबुन, पेन, मोबाइल इत्यादि में किया जाता है, जबकि दोस्तों 2 डायमेंशनल बारकोड या जैसे QR कोड या क्विक रिस्पॉन्स कोड कहा जाता है, इसको अक्सर आपने पेटीएम या गूगल पे, फोन पे ऐप में जरूर देखा हो। दोस्तों, 2D बारकोड में 1D की तुलना में ज़्यादा डेटा भरा जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, 2D बारकोड में अगर कोई काटछाट हो जाती है तो भी स्कैनर की मदद से उसको पढ़ा जा सकता है, जबकि 1D में ऐसा संभव नहीं है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, आपने हिंदू भाइयों को माथे पर तिलक या कुमकुम लगाए हुए जरूर देखा होगा। दोस्तों, यह देखने में अच्छा तो लगता ही है, परंतु इसके पीछे वैज्ञानिक महत्व भी होता है। जैसे दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे शरीर में अलग अलग एनर्जी पॉइंट्स हैं। दोस्तों, माथे में कुमकुम या टीका लगाने से शरीर में ऊर्जा का संचार बना रहता है। इसके साथ ही दोस्तों, चेहरे की मांसपेशियों में रक्त का संचार बेहतर तरीके से होता है। इसके साथ ही दोस्तों, तुलसी के पेड़ की पूजा करना, हवन करना या मंदिर में घंटी बजाना, इन सबका वैज्ञानिक महत्व भी है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, पुरातत्ववेत्ताओं ने 8 लाख साल पुराने आदमखोर के दांतों से दुनिया के सबसे पुराने इंसान का DNA खोजा है। दोस्तों, वैसे तो यह कहानी शुरू होती है 1994 से, जब स्पेन के बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट किसी एक खास काम के लिए इकट्ठे हुए। वैसे वह खास काम था दुनिया के सबसे पुराने इंसान के DNA को खोजना। कई महीनों के अथक परिश्रम के बाद दोस्तों, उन्हें प्राचीन आर्काइक ग्रुप के लोगों का अवशेष मिला, जो कि आज तक किसी को भी देखने को नहीं मिला था।
दोस्तों वैज्ञानिकों ने अवशेषों को देखते हुए कहा यह अवशेष होमो एंड सेसर लोगों के हैं। वैसे बता दूं कि यह लोग इंसानों के पूर्वज हैं। दोस्तों इसके लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है उसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। दोस्तों इसके जरिए डीएनए का विश्लेषण तो किया ही जाता है, परंतु इसके साथ ही आंशिक रूप से खराब हुए डीएनए के फिर से सीक्वेंस किया जाता है। इस सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया के जरिए वैज्ञानिक पूर्ण रूप से डिके हो चुके डीएनए को फिर से शोध करने के योग बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।